And let me now quickly cut across to India Today's Samarth Srivastav. With him is Ajay Mishra, the court commissioner who carried out the first survey on the 6th and the 7th of May at the Gyanwapi Mosque premises. And Samarth, bring us details of the findings. What more do we know that buttresses the case that this was, whether this was a shivling, as the Hindus say, or a fountain, as some of the Muslims may seem to believe? Exactly, Gaurav. I am joined by the then Advocate Commissioner Ajay Kumar Mishra. He's sitting beside me and having one map, and I'll try to get through this particular map and understand what Ajay Mishra went through the survey when he was inside. Ajay ji, survey aapne pehla kiya, report bhi aapne de di hai. Darshak jana chahte hain is map ke zariye, aap zara bataiye aap kis taraf se andar gaye the aur kis tarah se aapne survey kiya. मैं 4 नंबर गेट से अंदर गया था और नॉर्थ के साइड में आया. जब तो मैंने यहाँ जो है नॉर्थ और क्या कहेंगे ईस्ट जो है कोना है, नॉर्थ और ईस्ट का कोना था, वहाँ से शुरुआत किया था मैंने. और सबसे पहले मैंने जब नॉर्थ और वेस्ट का जो है कोना शुरू किया था. यहाँ मुझे जो सबसे पहले जो दिखा तो गणेश जी के आकार की जो है कुछ एक कलाकृति दिखाई दी. इसके बाद सीढ़ियाँ थी, इस कोने पे जो है कमल के फूल आकार का जो है कुछ मलबा भी दिखाई दिया जो है. ऐसे जब मैं जो है दक्षिण की तरफ बढ़ा जो है तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है उकेरी हुई कलाकृति देखी, जिसे लगता था किसी देवी देवता का जो है चित्र बना हुआ है. किस तरह के देवी देवता? अब स्पष्ट नहीं था वो, केवल इसलिए मैंने उसको देवी देवताओं का चित्र जो है था या नहीं, पत्थर के शिला पे था जो है सब, उस पर ऐसा ही उकेरा हुआ था. ऐसे ही जब ये जो आपको मंडप दिखाई दे रहा है सिंगार, जिसके साथ लोगों आप कहते हैं सिंगार मंडप है, यहाँ पर घंटा लगा हुआ है. हाँ, जो भी ये लड़ियाँ टाइप की होनी, या बाहर से देखेंगे तो दिखाई देगा जो है बैरिकेड के बाहर. तो इसके जो है षष्ठ बाहर जो है ये जो है इसी के जस्ट सामने ही यहाँ पे 3-4 मूर्तियाँ उकेरी हुई दिखाई दे रही थी, जिसपे सिंदूर लगा हुआ था जो है. किसकी मूर्तियाँ? स्पष्ट नहीं है, हिंदू भगवानों की. हाँ, वही उस पर सिंदूर लगा हुआ था, उस पर लगता था लोग पूजा पाठ भी करते हैं जो है. तो मैंने जो है ये पूछा कि क्या सिंगार गौरी जो आप कह रहे हैं यही है वादी पस्सी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है हमारा सिंगार गौरी का चौखट है, जिसको जो है हम लोग प्रतीक रूप में, सिंगार गौरी के प्रतीक रूप में हम लोग पूछते हैं. हमने कहा क्यों? तो कह रहे मुझे अंदर हम लोगों को नहीं जान दिया, जो कि हमारे सिंगार गौरी इसके अंदर है, जाने की इजाजत हम लोग को नहीं है, और इसलिए हम लोग यही से बाहर पूछते. तो क्या वो भी गिरा हुआ था या वो नॉर्मल रखा हुआ था? ये पसीला पट है जो है उसी पे सिंदूर प्रतीक, जैसे चौखट नहीं होती है अभी उसी तरह का रखा हुआ था. ये सिंदूर लगा हुआ था, नीचे 3-4 मूर्तियां थी, और यहाँ पे जो है ताखा टाइप का था जो है, और उसी पे जो है वो ताखा में लगता है शिलापट के अवशेष थे, जो कि इस प्रकार गिरे हुए थे कि जो है वो ताखा बन गया था. ताखा वो था नहीं, शिलापट के अवशेष से वो ताखा टाइप का बन गया था. 3 पत्थरों के मेल से या 2 पत्थरों के मेल से जो है वो ताखा टाइप का हो गया था. और क्या आगे? इसके उत्तर में ही यहीं पे जो है, दक्षिण साइड में नहीं है, उत्तर साइड में जब हम थे तो यहाँ एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जो है शेषनाग के फन के आकृति का. यहाँ पर जी जहाँ ये पूजा हो रही है उसके उत्तर साइड में तो फन आकार का है, भगवान विष्णु का शेषनाग. हाँ, तो हमको ये ऊपर हमारी जो है हमको जैसा लगा जी. मैंने वो लिख दिया, वो शेषनाग का अवशेष है या नहीं है ये नहीं कर, मुझे ये लगा कि ऐसा ये है जो है. उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई जो है. इधर आप नॉर्थ में इसका दक्षिण तरफ हम बढ़े जब तो साउथ की तरफ, तो ये जो है हमको दिखाई दिया यहाँ पे जो शिलापट गिरे हुए पड़े हुए थे, उसमें नीचे से जो है जगह थी उसको कैमरा से किया गया उसको, तो उसमें जो है कुछ कलाकृतियाँ जो है बनी हुई थी, जो कि जो है कमल की या चक्र की ऐसी जो है थी. ऐसे ही शिलापट जो है मलबे पड़े हुए थे, मलबे ही हैं ये, दीवाल कोई नहीं है. मलबे जी, मलबे या खंडित मूर्तियाँ? खंडित मूर्तियां बहुत नहीं थी उसमें, आप मलबा ही कह सकते हैं किसी भवन का जो है वो पुराने का, उसमें जो है कलाकृतियां बनी हुई हैं. इसके आगे आप कहाँ गए? इसके बाद बात की कार्य छह की हमारी यहीं बंद हो गई. जब हम नॉर्थ साउथ तक लास्ट पहुंचे तो इसके बाद जो है लगभग अंधेरा हो गया था, तो जो है ये हुआ कि शाम हो गई है और सबकी सहमति से कार्रवाई जो है. तो आपने यहाँ से सफर शुरू किया? यहाँ से 6 तारीख को मैंने सफर शुरू किया और यहाँ जो है लास्ट जो है 5:50 पे जो है यहाँ पर हमने कार्रवाई. और उस बीच में ये श्रृंगार गौरी वाला स्थल भी आया जी. और दूसरे दिन जब आप गए तब क्या हुआ? दूसरे दिन हम जब गए तो 3 बजे का समय दिया गया था जी. 3:45 तक विपक्षी गण का इंतजार किया गया, जब कोई नहीं आया तो अब जो है हम विपक्षी वादी गण को और उनके अधिवक्ताओं को लेके पूरा यहाँ से जो है शुरू किए, चौधरी जो है वीडियोग्राफी कराए जो है,
कि बैरिकेडिंग के बाहर बाहर क्या क्या स्थित है, पूरा मैंने ये कराया जो है पूरा यहाँ गोल चक्कर जी। और जब यहाँ से घूमते हुए हम यहाँ आए तो यहाँ पे जो है बताया गया कि यहाँ पे जो है दरवाजा टाइप का था, ये जो है इसके अंदर जो है कुछ बाहर से दिखाई दे रहा था, अंदर जाने की था नहीं, बैरिकेडिंग लगी हुई थी। ये बताया गया कि यहाँ पे जो है ब्यास जी का जो है ये तहखाना टाइप का था। अजय मिश्रा एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैप हाउ थिंग्स वेंट ऑन when he surveyed, because it was also a tough task for him as well, because that time district administration was not putting the security outside the Gudaulia road, what happened during Vishal Singh's survey. So it was a tough task for Ajay Mishra, and he concluded things around the Shringar Gauri Sthal, and then he moved to that particular area and also looked after the barricading thing. But the major part happened inside the pond when that particular shivling or fountain was found.